मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू डेज क्लास रिक्टस, यानी विटामिन डी की कमी के कारण या डिफिशेंसी के कारण जो मोस्ट प्रॉबली बच्चों में जो कंडीशन या डिसऑर्डर पाया जाता है उसको कहते हैं रिक्टस, जो कि बोन से संबंधित होता है, जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम एंड फोर्स की कमी के कारण मोस्ट प्रॉबली ये डिजीज या कंडीशन डेवलप होती है। रिक्टस क्या होता है? रिक्टस की चीज़ें मोस्ट ऑफली ये 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स के बच्चों में कंडीशन ज़्यादातर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इसमें ये जो कंडीशन होती है रिकेटस के अंदर, प्रोलिफरेशन, डीजेनरेशन एंड यानी पॉलिटिशन, यानी एक अपर्ष्ट स्थिति में डेवलप होना, डिजेनरेशन यानी कम मात्रा में बनना, कैल्सिफिकेशन यानी कोई बोन का कैल्सिफाइड होना, दिस इज कंडीशन बोन ऑफ द रिकेटस। ये कंडीशन डेवलप होती है रिकेट्स के अंदर। नेक्स्ट होता है इसमें कि जो ये कंडीशन है, इट इज ए ग्रोइंग बोन, बोन के अंदर डेवलप होती है एंड दिस इज कंडीशन अकॉर्डिंग ओल्डर चिल्ड्रन एंड मेल ऑब्जर्वेशन और अदर सिस्टमेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ट्रेनिंग फीचर ऑफ द रिक्टस। ये रिक्टस के में कौन कौन से जो ट्रेनिंग फीचर्स है या सिम्टम्स है जो डेवलप होते हैं, पहले देखते हैं जनरल सिम्टम। जनरल सिम्टम में जैसे वेट विद इरेगुलरिटी काफ़ी मात्रा में इरेगुलरिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट, रेस्टलेसनेस कंडीशन एंड स्लीपिंग कंडीशन ओवर द हेड, मोस्ट ऑफली स्लीपिंग के दौरान ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, फ्रैक्चर्स, बोन में किसी प्रकार का भी जनरल फ्रैक्चर्स हो सकता है क्योंकि बोन विटामिन डी की कमी के कारण या रिकेट्स कंडीशंस में काफ़ी कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट, मसल्स वीकनेस, स्पेशली प्रॉक्सिमल्स मसल्स होती है उसमें कमजोरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं उसमें हेड की तरफ, जो मेन फीचर्स है हेड, हेड में कौन कौन सी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। पहले है क्रेनियो टैप्स। क्रेनियो टैप्स क्या होती है? क्रेनियो टैप्स, दिस कंडीशन इज सीन बाय ऑक्सिपिटल एंड पोस्टीरियर पैरेंटल बोन में देखने को मिलती है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो स्कल बोन है काफ़ी सॉफ्ट एंड थिनिंग हो जाती है, जिसके कारण से पिंक बोन लाइक जो है सिम्टम देखने को मिलते हैं। यानी थम से कंप्रेस करने पे इस कंडीशन कहते हैं क्रेनियो टैप्स। नेक्स्ट होती है इसमें कंडीशन क्रेनियो साइनोप्रोसिस। इस कंडीशन में एक प्रकार का फीवर डिफेक्ट होता है जो कि विटामिन रिकेट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्किल्स बोन्स हैं वे बहुत जल्दी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है ब्रेन के कंप्लीट डेवलप होने से पहले, जिसके कारण से इसमें मिसशेप्स हो जाती है। मिसशेप्स यानी एक ऐसी एब्डोमिनल शेप आती है जिसको कहते हैं मिसशेप या बॉक्स शेप जो ब्रेन है इसमें एंड विद फ्लैट वर्टेक्स। नेक्स्ट जो वर्टेक्स डेवलप होती है वो डिलेट क्लोजर ऑफ फ्रंटल्स, यानी जो क्लोजर फ्रंटल्स हैं वो काफ़ी लेट बंद होते हैं। नेक्स्ट, फ्रंटल एंड पैरेंटल बोसिंग एंड बोस हेड विद फ्लैट फ्रंट से एंड जो हेड का साइज है वो काफ़ी लार्ज होता है। नेक्स्ट होता है हम लेते हैं चेस्ट में क्लीन फीचर्स क्या क्या होते हैं। चेस्ट में पहला है कोस्टल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं रैकेटिक ब्रेसिस। कोस्टल कॉन्ट्रैक्शन होता है लोकेट इन बिटवीन पार्ट ऑफ द हिप्स एंड कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज और डाइस्टल पार्ट ऑफ द हिप्स के बीच में ये देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं कोस्टो कॉन्ट्रैक्शन या रैकेटिक
भरोसे हैं। इसमें क्या होता है कि टेस्ट पे रक्षण के बीच में मोती को समान कुछ अबोर्टिव कंडीशन देखने को मिलती है जो बोलते हैं रेपिटिंग प्रोसेस। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, सेकंड चेस्ट के अंदर जो डिग्नोटीज होती है वो होती है डिग्रोन सेफ या कैक्टस एस्केवर्टम, यानी संघ समान जो संरचना चेस्ट की डिग्रोन, यानी कबूतर के समान जो कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हरिसन ग्रुप। हरिसन ग्रुप में इसमें क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल डिप्रेशन ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ चेस्ट, यानी जो चेस्ट है बेबी की उसके लोअर पार्ट में हमें डिप्रेशन देखने को, यानी दबाव कंडीशन देखने को मिलती है। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपके बैक। बैक में कौन सी डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, बैक यानी स्पाइनल से संबंधित डिफॉर्मिटी कई कंडीशन देखने को मिलती है, जिसको कहते हैं पहले स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होता है, ये एक एब्नॉर्मल कर्वेचर होता है ऑफ द स्पाइन, यानी एक असामान्य कर्वेचर ऑफ द स्पाइन एस और सी से कंडीशन कहते हैं स्कोलियोसिस। नेक्स्ट है किफोसिस। इसमें क्या होता है, स्पाइन जो कंडीशन है एस्ट्रेटेड फॉरवर्ड ग्राउंड हो जाती है, मोस्ट ऑफली ये कंडीशन मोमेंट्स में देखने को मिलती है जो कहते हैं किफोसिस। नेक्स्ट है लोबोसिस। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर स्पाइन के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, जिस कारण से एक डिस्कम्फर्ट वाली कंडीशन डेवलप होती है या पेन वाली कंडीशन डेवलप होती है, जिस कंडीशन कहते हैं लोबोसिस। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम फीचर्स में, एक्सट्रीमिटीज से जो कंडीशन होती है देखने को मिलती है इसमें, यानी हाथ पैर मूवमेंट्स की जो कंडीशन है, जैसे एनलार्ज ऑफ रिस्ट एंड एंकल्स, यानी एनलार्जमेंट यानी रिस्ट एंड एंकल्स में एक अप्रोप्रियट शेप आती है, यानी बोन के ऊपर कुछ अलग कलर की बोन का बनना जो कहते हैं एनलार्जमेंट ऑफ द रिस्ट एंड एंकल्स। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। वेलगस एंड वेरियस कंडीशन, वेलगस एंड वेरियस कंडीशन में जो कि एंगुलेशन होता है, यानी बाउलिंग, एंगुलेशन बाउलिंग यानी झुकाव इन द शाफ्ट ऑफ ए बोन एट ए जॉइंट, यानी बोन के अंदर एक अलग प्रकार का झुकाव या बाउलिंग या एंगुलेशन होता है, इस कंडीशन को कहते हैं वेलगस और वेरियस। अगर ये तो झुकाव है लेटरल पोर्ट पे ज़्यादा है, यानी मोर ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ लेटरल साइड, तो उस कंडीशन कहते हैं वेलगस। अगर वे मीडियल साइड ज़्यादा है तो उस कंडीशन कहते हैं वेरियस, यानी जो डिस्टल झुकाव है डिस्टल पार्ट ऑफ द बोन, अगर मीडियल पोर्ट पे ज़्यादा है तो वेलगस वेरियस कंडीशन, अगर लेटर को ज्यादा है तो वेलगस कंडीशन, जो कि कंडीशन लेकिन उसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट उसमें होता है बॉक्सा वेरा। इस कंडीशन को हम एक डायग्राम से भी देख सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया आपको। नेक्स्ट है बॉक्सा वेरा। ये कंडीशन हिप के अंदर डिफॉर्मिटी की होती है, इसमें क्या होता है फीमर हेड और हिप यानी एसिटोबुलर कैविटी के बीच में जो 120 डिग्री का जो कोण होता है उसमें रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण हिप डिफॉर्मिटी कंडीशन डेवलप होती है, इसको कहते हैं कोक्सा वेरा। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, इस सेरो प्रोसेस
इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जो एब्डोमिनल पार्ट है वेयर लोअर पार्ट में जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वे लोअर पार्ट में फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, इस कंडीशन कहते हैं विद सेलोकोसिस। नेक्स्ट एक्सट्रम गेन में जो कंडीशन डेवलप होती है वो होती है ग्रोथ कैटरेक्ट एंड इनवर्ट कैटरेक्ट लेग पेन कंडीशन, जो इसमें सिम्टम देखने को मिलते हैं रिक्टस में। नेक्स्ट लेते हैं इसमें हम कोज ऑफ रिक्टस। कोज ऑफ रिक्टस में सबसे पहले कोज है पोर डाइटरी इनटेक ऑफ विटामिन डी की कम मात्रा में डाइट लेना, पोर डाइट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड डिस्टर्बेशन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्बेशन होना ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट, यानी सनलाइट का एक्सपोजर कम होना जिसके कारण से विटामिन डी इजीली सिंथेसिस नहीं हो पाता, इस कंडीशन से विटामिन डिफिशियंसी के कारण एक जैसी कंडीशन डेवलप होती है। मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, यानी जो एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फेट कैल्शियम कंडीशन है वह सही से नहीं हो पाती जिसके कारण से बोन तक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंडीशन कमी आती है, जिसके कारण से बोन में काफ़ी डिफॉर्मिटीज होती है, जिसके कारण से रिकेट्स जैसी कंडीशन डेवलप होती है। एक्सेसिव फ्लैट विद लो कैल्शियम एंड लो फॉस्फोरस कंटेनिंग डाइट। नेक्स्ट लेते हैं इसमें ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स। साथ में आपका ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है रिकेटर। थैंक यू।